हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल डिंपल रानी में आपका स्वागत है दोस्तों मेरे आज का न्यूज़ ब्लॉग में। तो आइए आज भी हम कंचन मैडम का से जुड़ेंगे और जानेंगे कि आज कंचन मैडम मतलब कौन सा केस को सॉल्व करती हैं और कैसे सॉल्व करती हैं और क्या मैटर्स को लेकर पति पत्नी के बीच में झगड़ा है। तो चलिए ऐसे ही वीडियो बने रहिए और देखते हैं वीडियो में आगे क्या होता है। पति क्या किए कि तुम अपने घर में बैठी हो? शारीरिक प्रताड़ना, मारपीट। लड़का मेरे साथ मारपीट करता था। लड़का एक मिनट रुको, ऊंचे आवाज में बोलो। और मारपीट की जो बात बोल रही हो तुम, मारपीट मारपीट का कहने का मतलब होता है लगातार मारना। अच्छा। और एक बार मारने का मारपीट नहीं, बोलो कि हाँ मेरा पति एक बार मारा था, जो सच है वो। मैम जो मारपीट जबरदस्ती नहीं मैम, तो मेरे हिसाब से मारपीट वही ना हुआ। अच्छा, कितने बार मारा पति? 14 झाप मारा है। कितने बार? एक बार में 14 झाप मारा। उसके और इसके एब्सेंस में इसके मम्मी पापा इनडायरेक्टली मेरे से दहेज मांगते थे। मेरे मम्मी पापा के बारे में बोलते थे कि इतना पैसा लेके आओ, ये इसके नानी घर से मिला है, तुम्हारे मम्मी पापा कुछ नहीं दिए। इनफैक्ट इनडायरेक्टली सारे कोई दहेज मांगते थे। मेरे मम्मी पापा इतने स्टेबल नहीं थे कि वो हमको दहेज दे पाते। अच्छा ठीक है, चलो मान लिया। लड़का फिर भी सारी गलती को माफ़ी मांग के तुमको रखना चाहता है, तुम रहोगी कि नहीं? मैम हम इससे माफ़ी मांगते कि हमको बख्श दे, हम इसके साथ नहीं रहना चाहते। कुमार हुआ मैम। हाँ, पत्नी का नाम आपका? रोजी कुमारी। शादी कब हुई थी आपकी? 13 मार्च 2023 को। कितने दिन से पत्नी आपकी अलग है? 30 जून 2023 से अपने मायके आई थी, उसके बाद से नहीं आना चाह रही है। कारण? कारण ये है कि इसका आरोप है कि हम इससे 10 लाख का कार मांगते हैं, सोना चांदी मांगते हैं, और इसके पिताजी का कहना है कि हम मारवाड़ी घर में शादी करेंगे, वहाँ पे झोला भर के रुपया मिलता है, तुम लोग बनिया लोग हमको कुछ नहीं देता है। ठीक है, यही आरोप है ना लड़की का? और इसके कुछ अफेयर्स भी हैं मारवाड़ी लड़के के साथ, जिसके प्रूफ है मेरे पास। अच्छा, आप एक बात बताइए, ठीक है, जो भी आरोप लगाइए, जो भी आरोप आप पे लगाइए, चाहे जो भी गलती की है, सारी गलती ही की है, फिर भी आप लड़की को रखना चाहते हैं या नहीं? हाँ मैम, हम रिश्ता शादी किए हैं, अगर ये सब चीज़ भूल के मेरे पास आए, हम इसको बिल्कुल रखना चाहते हैं। आप जो गलती इसके साथ किए हैं उससे माफ़ी मांग के रखने के लिए तैयार हैं? हम अगर गलती किए हैं तो हम माफ़ी मांग के रखने, हम पहले भी माफ़ी मांगे, जो हम एक झापड़ जो बात बोले कि मुँह पे हाथ रखे तुम्हारा, हम ऑलरेडी से घर में आके इस बात को बोले। अगर ये कमिट करती है कि हम लड़कों से बात करना सही है। नहीं नहीं, वो हम मैटर नहीं लाना है हमको। आप हर हाल में लड़की को रखने के लिए तैयार हैं? हम हर हाल में रखने माफ़ी मांग के। हाँ ठीक है, आप माफ़ी मांगिए। ठीक है रोजी, चलो तुम मेरे साथ, जो गलती हुआ हमको माफ करो। नहीं मैम, वो लड़की से बात की, मेरे मम्मी पापा को खाना नहीं दी, इसमें इसको भी माफ़ी मांगना पड़ेगा मैम। ठीक है, पहले आप ये चीज़ बात करिए। ठीक है मैम, ठीक है रोजी, चलो अगर वो गलती है उसके लिए माफ़ी मांगते हैं तुमसे, खत्म करो इस चीज़ को, अपनी ज़िंदगी फिर से आप शुरुआत करना। बिल्कुल, हम जिंदगी शुरुआत करना चाहते हैं फिर से, हम हमेशा करना चाहें मैम, हम इसको लेने भी आए। बाई चांस कभी ऐसा फिर दोबारा कोई गलती कीजिएगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई हम कभी हम कभी नहीं करेंगे मैम, हम कभी नहीं करेंगे, हम करते भी नहीं है मैम। कर दिए तो जेल जाने के लिए तैयार है ना? अच्छा मैम, अगर ये जो पूछा जा रहा है वो बताइए। हाँ, जेल जाने के लिए तैयार है ना? हाँ, अगर कुछ भी करते हैं तो। हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? रोजी कुमारी। तुम्हारे हस्बैंड का नाम? शिवम गोयल। शादी तुम्हारा कब हुआ था? 13 मार्च को। अपनी मर्जी से कि फैमिली की मर्जी से? अपनी भी मर्जी, दोनों की मर्जी थी और फैमिली की भी मर्जी थी। लव को अरेंज किया गया है क्या? कह सकते हैं अरेंज ही था, लेकिन बीच में टूट गया दोनों के बातचीत की वजह से, फिर पेरेंट्स को मना करके शादी किया गया था। तो लव को अरेंज किया गया ना? लव नहीं कह सकते, अरेंज ही कह सकते हैं उसको। तुम्हारे साथ पति क्या किए कि तुम अपने घर में बैठी हो? शारीरिक प्रताड़ना, मारपीट। लड़का मेरे साथ मारपीट करता था। लड़का एक मिनट रुको, ऊंचे आवाज में बोलो। और मारपीट की जो बात बोल रही हो तुम, मारपीट मारपीट का कहने का मतलब होता है लगातार मारना। अच्छा। और एक बार मारने का मारपीट नहीं, बोलो कि हाँ मेरा पति एक बार मारा था, जो सच है वो। मैम जो मारपीट जबरदस्ती नहीं, मैम तो मेरे हिसाब से मारपीट वही ना हुआ। अच्छा, कितने बार मारा पति? 14 झाप मारा है। कितने बार? एक बार में 14 झाप मारा। उसके और इसके एब्सेंस में इसके मम्मी पापा इनडायरेक्टली मेरे से दहेज मांगते थे। मेरे मम्मी पापा के बारे में बोलते थे कि इतना पैसा लेके आओ, ये इसके नानी घर से मिला है, तुम्हारे मम्मी पापा कुछ नहीं दिए। इनफैक्ट इनडायरेक्टली सारे कोई दहेज मांगते थे। मेरे मम्मी पापा इतने स्टेबल नहीं थे कि वो हमको दहेज दे पाते। अच्छा ठीक है, चलो मान लिया। लड़का फिर भी सारी गलती को माफ़ी मांग के तुमको रखना चाहता है, तुम रहोगी कि नहीं? मैम हम इससे माफ़ी मांगते कि हमको बख्श दे, हम इसके साथ नहीं रहना चाहते। ठीक है, तुम नहीं रहना चाहती हो इसीलिए हम पूछ रहे हैं, एक बार मौका नहीं दोगी? नहीं मैम। लड़की जा तो सोच रही हो? हाँ मैम बिल्कुल सोच रहे, हम देखे मैम एक साल में हम बहुत समाज देख लिए मैम। जी लोगे अपना जिंदगी जी लोगे मैम? देखिए जीने जीने की चाहत में हम पहले तो नहीं मर सकते ना।
नहीं, हम लोग तो कोशिश करेंगे बाबू फैमिली मिलाने का है ना। मैम बहुत बहुत जबरदस्ती हम नहीं किसी को रखवा सकते। अगर आज हम जबरदस्ती रखवा दें, कल होकर तुम्हारी कुछ हो जाता है तुमको, तो उसकी जिम्मेदारी हम पे आएंगे। तुम्हारे गार्जियन हमको पकड़ेगा कि ये मैडम ही जबरदस्ती रखा दी। इसीलिए हम तुमसे ये चीज़ करें, हाँ रिक्वेस्ट जरूर करेंगे, आगे तुम्हारी लाइफ है, ठीक है। अब तुम्हारा क्या चीज़ है मैम? एक चीज़ मेरा सवाल है कि इतना जल्दी समझे और इतना त्रुटि की वजह से आप अपने लाइफ को क्यों हेल में डाल रहे हैं? भैया देखिए, इतना जल्दी कहता है ना, कभी कभी गलती जल्दी रियलाइज़ होती है, कभी लेट से रियलाइज़ होती है। हमको मेरा गलती सही समय पे रियलाइज़ हो गया और हम चाहते हैं कि बस अब नहीं हो सकता मेरा। हमको लगता है कि आप बहुत नादान हैं और बहुत जल्दी कर रहे हैं। भैया ये आपकी सोच है ना, हमको लग रहा है कि हम सही कर रहे हैं। और अच्छा, अच्छा, कोई बात नहीं, जबरदस्त अच्छा लगा आप मेरे लिए इतना कंसर्न दिखाएं, लेकिन नहीं कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक बात बताऊँ कि तुम जैसे हमको बोली है कि मेरी ज्वेलरी हमको दिलवा दीजिए, हम डिवोर्स पे साइन करने के लिए तैयार हैं, तुम्हारा ज्वेलरी में क्या क्या है? मेरी ज्वेलरी में लड़के को चढ़ा आज मेरे घर के तरफ से 4 सोने का अंगूठी, 1 सोने का लॉकेट, 1 चांदी का चैन, 1 चांदी का ब्रेसलेट। मेरी मम्मी मेरे जेवर में दिए 1 नथिया, 1 पत्ती, 1 कान वाला और पैर में पायल। ये सब कहाँ है? ये सब उसके, ये सारा मेरी मम्मी जितना ज्वेलरी दी है उसके पास है। और उसके घर से जो हमको मिला था टीका, मंगलसूत्र, कान वाला और अंगूठी, तो टीका भी उसके पास है, मंगलसूत्र, कान वाला और अंगूठी मेरे पास है। तो यही चाहती हूँ ना कि मेरा दिलवा दीजिए, हम कुछ दे देंगे। हम ये भी चाहते हैं कि मेरा सामान ये दे दे, हम भी इसका सामान नहीं रखना चाहते हैं। ठीक ठीक, इनका जो ज्वेलरी है, इनका ज्वेलरी जब ये अपने साथ गई थी ना, तो अपने साथ लेके आई थी और 1.5 लाख रुपया रखा घर में, कैश भी लेके गई है। ठीक, एक मिनट, कैश पैसा का हमको नहीं पता। और इसका जो ज्वेलरी है, जैसे कि बोल रही है कि मेरा ज्वेलरी वहीं छूटा हुआ है, उनका ज्वेलरी जो था मेरे पास है मैम। इसका मैम मेरे पास है एक ठो ब्रेसलेट है, ठीक है, एक ठो चांदी का चैन है मेरे पास मैम, एक पटवासी है, ठीक है, और मैम एक सेकंड, ये बोल रही है अंगूठी है, नहीं अंगूठी नहीं है, सारा जेवर ना मैम इसके पापा रखते थे। और हम जब पिछले साल जो बर पूजा होता है ना भैया, बर पूजा में नथिया और टीका मांगे थे इसकी मम्मी से पहनने के लिए, इसके पापा हॉस्पिटल में थे, ये भी लड़का नहीं था, 2 दिन रखे थे मैम पहन के, जानते 2 दिन बाद इसकी मम्मी मांगी, होता है ना कि अपने ड्रॉअर में रख ली, ड्रेसिंग में नहीं भैया, ड्रेसिंग में रख लिए, तो मैम मैं अपने ड्रेसिंग में रखी, इसकी मम्मी बोली दो, तो हमने मैम मम्मी दे देंगे, 2 दिन बाद आके पता है क्या बोलता है, ये लड़की पे इतना भरोसा, इतना जल्दी मत करो। लॉकेट भी है मैम मेरे पास, गोल्ड का लॉकेट है मेरे पास, ठीक है, एक चांदी का चैन है, एक चांदी का ब्रासलेट है मेरे पास, ठीक है, एक पटवासी है मेरे पास मैम, ये मेरे पास सामान है, हम दे देंगे। इसका कपड़ा है मेरे पास है, इसकी माँ बर्तन चढ़ाई थी कुछ, वो मेरे पास है, मेकअप का सेट, इसका जो भी सामान है, जितना भी चीज़ है सारा रखा हुआ है। ये रहने के लिए तैयार नहीं है, तो इसकी जो भी सामान है हमको आप कोई आपत्ति नहीं, मेरे पास जो जो सामान है मैम, इसका जो सामान है, आपका जो सामान इसके पास वो आपको दे देंगे। मेरे पास जो जो सामान है मैम, हम सारा, हम जो कबूल लिए सच पे नहीं आएंगे, हम एक बात आपके सामने भी अभी ये सच पे जब तक नहीं आएंगे तब तक हम डिवोर्स इसको नहीं देंगे, ये भी बात हम बोल दे रहे भैया, क्योंकि देखिए हम नहीं चाहते भैया कि कोई भी गलत नहीं, हम भी बहुत असमंजस का जिंदगी जी रहे हैं, हमको मेरे साथ भी प्रॉब्लम, हमारा जो ज्वेलरी है हाँ वो बस हमको चाहिए, बस तुमको हाँ, मिल जाएगा हाँ, शांति से रहो, समझी, जो तुम्हारा है वो मिलेगा और जो इनका है तुम इनको देगी। अभी लिखन चलेगा, तुम दोनों का भी बात क्लियर, हम अपने लेटर पैक पे तैयार करेंगे, ठीक है, चलिए अपने मर्जी से दोनों नहीं।